आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। आइए पहले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में निम्न में से कौन सा हाईकोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट बना है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निम्न में से कौन सा हाईकोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट बना है। गुजरात है कि दिल्ली है कि कोलकाता है या फिर इलाहाबाद है। तो इसमें आपका ए नंबर सही होगा, गुजरात जो है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला देखिए, निम्न में से किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है, एस सोमनाथ, सौम्या मासेलकर, मनीन्द्र स्वामीनाथन, के सिवान। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें ए नंबर आपका सही होगा, एस सोमनाथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है। तो ऑप्शन देख लीजिए, मिशन वापसी, मिशन अमानत, मिशन जागरूकता या फिर मिशन सफ़र। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें बी नंबर आपका सही होगा, मिशन अमानत। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स नव विकास बैंक ने निम्न में से किन देश को नए सदस्य के रूप में शामिल किया है। ब्रिक्स नव विकास बैंक ने निम्न में से किस देश को नए सदस्य के रूप में शामिल किया है। तो ऑप्शन देख लीजिए, उज्बेकिस्तान, कतर, मिस्र या फिर इजराइल। इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें आपका सी नंबर सही होगा, मिस्र जो है वो सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस राज्य को खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी सौंपी गई है। आपको बताना है निम्न में से किस राज्य को खेलो इंडिया मेजबानी 2023 की मेजबानी सौंपी गई है। तो ऑप्शन देख लीजिए, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर उड़ीसा। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें बी नंबर जो है बिल्कुल सही होगा, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को, 20 जनवरी को, 10 जनवरी को या फिर 15 जनवरी को। तो विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है, इसलिए सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS विशाखापट्टनम से फरवरी 2022 को समुद्र में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सफल परीक्षण किया था। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन, फिर से ध्यान से सुनिएगा, भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS विशाखापट्टनम से फरवरी 2022 को समुद्र में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। आपको बताना है, तो इसमें से पहले ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है। ऑप्शन हमारा है ब्रह्मोस, प्रलय, प्रहार या फिर अग्नि। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें ए नंबर बिल्कुल सही होगा, ब्रह्मोस जो है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में रूस व यूक्रेन के दौरान युद्ध, ध्यान दीजिएगा, फरवरी 2022 में रूस व यूक्रेन के युद्ध के दौरान, यहाँ पे युद्ध कट गया है, युद्ध के दौरान यूक्रेन को भारतीय नागरिकों व छात्रों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, कि जब वहाँ पे युद्ध होने लग गया था तो जो भारत के छात्र वहाँ फंसे हुए थे, तो भारत सरकार ने किस ऑपरेशन को चला करके वहाँ के छात्रों को वापस लाया था, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑपरेशन एग्जिट, ऑपरेशन एग्जिट, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन समर्थ या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें से आपका बी नंबर बिल्कुल सही होगा, ऑपरेशन गंगा। अगला देखिए,
महिला विश्व कप 2022 की विजेता कौन बना है? ध्यान दीजिएगा, महिला विश्व कप 2022 का विजेता कौन बना है? ऑस्ट्रेलिया बना है कि इंग्लैंड बना है कि साउथ अफ्रीका या फिर भारत बना हुआ है? तो इसमें से आपका ए नंबर बिल्कुल सही होगा, ऑस्ट्रेलिया बना हुआ है, ऑस्ट्रेलिया। अगला देखिए, 94वें अकादमी पुरस्कारों के अंतर्गत 2022 के लिए किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? ध्यान दीजिएगा, इसमें से बताना है किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ऑप्शन देख लीजिए, ड्राइव माई कार, ड्यून, कोडा या फिर ब्रेस्ट साइड स्टोरी। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। इसमें सी नंबर आपका सही होगा, कोडा जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में है 12 से 19 जनवरी को, 2 से 8 अक्टूबर को, 21 से 29 मार्च को, 7 से 15 नवंबर को। तो इसमें आपका बी नंबर सही होगा, 2 से 8 अक्टूबर को वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, 2 से 8 अक्टूबर को। अगला देखिए, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? और ऑप्शन देख लीजिए, सारंगी, वायलिन, मृदंग या फिर संतूर। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें आपका ए नंबर सही होगा, सारंगी, ए नंबर जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विंबलडन टेनिस प्रतिस्पर्धा प्रत्येक वर्ष किस देश में होती है? क्वेश्चन फिर से ध्यान दीजिएगा, विंबलडन टेनिस प्रतिस्पर्धा किस देश में होती है? तो ऑप्शन देख लीजिए, कौन कौन सा है, यूएसए में कि ऑस्ट्रेलिया में या फिर इंग्लैंड में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सी नंबर आपका सही होगा, इंग्लैंड जो होगा वो सही उत्तर होगा। अगला देखिए, डॉट डॉट ने गूगा कथा के संस्करण को एकत्रित करने और भारतीय पुरातत्व 1895 में प्रकाशित करने में योगदान दिया। आपको बताना है किसने योगदान दिया था। तो ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है, ऑप्शन है आपका मेजर जे एबर्ट, विलियम क्रूप, चार्ल्स सिनर्टन और रिचर्ड कार्नर। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें आपका बी नंबर सही होगा, विलियम क्रूप जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला देखिए, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन उद्यान मुगल गार्डन की अभिकल्पना किसने की थी? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है हमारा, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन उद्यान की अभिकल्पना किसने की थी? तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है हमारा सर एडविन लुटियंस, लॉर्ड कर्जन, शाहजहां ने या फिर लेडी हार्डिंग ने। आपको बताना है इसमें कौन सा सही होगा। तो इसमें ए नंबर आपका सही होगा, सर एडविन लुटियंस ने। अगला देखिए, चैम्पियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, ध्यान दीजिए किसके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार? तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है हमारा UNDP, UNFCCC, UNEP या फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा। आपको बताना इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें आपका जो सी नंबर ऑप्शन है UNEP जो है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? आपको बताना है एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? तो ऑप्शन देख लीजिए, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, गुन्नार मिर्डाल या फिर नीदर सी चौधरी। आपको बताना है इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसमें आपका सी नंबर बिल्कुल सही होगा, गुन्नार मिर्डाल। अगला देखिए, मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? मैरी काम को, बिना लक्ष्मी नेपराम को, नलिनी बाल देवी को या फिर इरोम शर्मिला को? तो इसमें से आपका कौन सा सही होगा। इसमें डी नंबर आपका सही होगा, इरोम शर्मिला को मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, गुट निरपेक्ष नाम देशों NAM नाम देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? आपको बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए, बेलग्रेड में कि न्यूयॉर्क में या फिर नई दिल्ली में या फिर जिनेवा में? तो इसमें ए नंबर आपका सही होगा, बेलग्रेड में प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो इसमें बताना है जो ऑप्शन दिया गया उसमें से कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है आपका GV मावलंकर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, M अनंत सैनम अयंगर या फिर
डॉक्टर पी बी चेरियन। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। इसमें ए नंबर जो होगा बिल्कुल सही होगा, आपका जी वी मावलंकर, आपका जो है ये सही उत्तर होगा, जी वी मावलंकर जो है वो बिल्कुल सही होगा। इसी तरीके से हम जी के जी एस और करंट अफेयर के क्वेश्चन डेली आपको देते रहेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।